कल दीदी ने बताया था आगे का आज हम नाद अनुसंधान देखेंगे और मेन चीजें हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अथ नाद अनुसंधान हम जो लिखा है। ठीक है, अश्यक्त तस्य बोधानां मूढानामपि सम्मतं प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोप पासन मुच्यते। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो सामान्य लोग असमर्थ है तत्व ज्ञान को पाने के लिए, उनके लिए गोरक्षनाथ जी द्वारा ये जो नाद की उपासना का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, वो करते हैं। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं श्री आदिनाथेन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो आदिनाथ जी हैं वो लेके 1.25 करोड़ के प्रकार प्रसिद्ध हैं आदिनाथ द्वारा, लेकिन जो गोरक्षनाथ जी हैं वो उसमें से एक ही को मुख्य मान के नाद अनुसंधान को मुख्य मान के आगे वर्णन करते हैं। अब कैसे इसको करना है इसकी विधि यहाँ पे बताई है। ठीक है, मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राम साध सांध्या सांभव्यम, उसके बाद है श्रोणुयादि शिणे कर्मणे नात मस्तस्त में कभी। मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं आती संस्कृत, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें ये बताया गया कि हमें मुक्त आसन में बैठना है। मुक्त आसन के अन्य नाम भी आपने पढ़े हैं, जिसे सिद्धासन भी बोलते हैं, गुप्त आसन भी। ठीक है, शांभवी मुद्रा लगानी है। ठीक है, और जो अपना ध्यान है वह एकाग्र चित करके दाहिने कान से शरीरस्थ जो अंदर शरीर के जो नाद की ध्वनि है उसको सुनने का प्रयास करना है। ठीक है, शरीर अंतर्गत जो नाद की ध्वनि है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी स्थिति बताई है। ठीक है, इसे षणमुखी मुद्रा की जो स्थिति बताई है उससे देखेंगे। ठीक है, हम लोग श्रवण पुट नयन, मतलब श्रवण मतलब दोनों कान, नयन मतलब दोनों आंख, प्राण मतलब होता है नाशिका, सबको पता है मुख। ठीक है, इनको सबको बंद करके, ठीक है, जिस प्रकार से षणमुखी मुद्रा करते हैं, जिस प्रकार जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारी उंगलियों की स्थिति वैसी ही इसमें बताया गया। ठीक है, बंद करके जो विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट पवित्र नाद सुना देता है, मतलब जो सुषुम्ना में विशुद्ध, ठीक है, इसके अलावा और दूसरा कोई शुद्ध नहीं है, यही विशुद्ध नाद जो सुना पवित्र नाद है उसे वो सुनाई देता है। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमें अवस्थाएं बताई गई हैं 4 प्रकार की, जो कि कल भी बताई थी मानसी जी ने। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोच्च निष्पत्ति। ठीक है, मतलब इसमें जो सभी योगों में होती हैं जो अवस्थाएं, जैसे अगर हम लोग प्राणायाम करते हैं उसमें भी पहली अवस्था में पसीना आता है, द्वितीय में कंपन होता है, ऐसे यहाँ पे भी बताया है कि सभी योगों में आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्थाओं का क्रमानुसार वर्णन किया है गोरक्षनाथ जी ने। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस। अब हम लोग चलते हैं आरंभ अवस्था। ठीक है, आरंभ अवस्था में क्या कहा गया है कि ब्रह्म ग्रंथे भर वेद वेदादनम, मतलब ब्रह्म ग्रंथे मतलब ब्रह्म ग्रंथि क्या भेदन करेंगे। ठीक है, उसके बाद शून्य शंभव, मतलब वो शून्य ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के बाद आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, और जो यहाँ विचारणीय लिखा है, मतलब जो विचार है वो हमारे शून्य शून्य शंभु हो जाएंगे। ठीक है, शरीर के अंतर्गत शून्य शंभु असाधारण। फिर इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है कौन कौन सी है, जर्जर रूपी अनाहद शब्द सुनाई पड़ता है। ठीक है, जड़ जड़ रूपी अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है, और जो योगी के लाभ होते हैं मतलब जो स्थिति दिखाई देती है उसकी, तो जो योगी होता है वो दिव्य शरीरवान हो जाता है, ओजस्वी तेजस्वी गंधवान और प्रसन्न चेतस, मतलब प्रसन्न चित्त हो जाता है, और शून्यचारी मतलब उसकी पूरी जो चीजें हैं वो शून्य हो जाती हैं जो चित्त में उत्पन्न होता है। और जो ब्रह्म ग्रंथि है वो अपनी कहाँ पे बताई गई है, उसका स्थान जो है वो हृदय प्रदेश में है, अनाहद चक्र है उसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आरंभ अवस्था है हमारी। अब द्वितीय में हम चलते हैं घट अवस्था। इसमें कहा गया है ये द्वितीय अवस्था नाम घटी कृत्वा वायुवर्धभि मध्यगः दृढ़ सन्नो भवे योगी ज्ञानी देव सम तथा विष्णु ग्रंथि। ठीक है, भेदनम मतलब इसमें क्या बताया द्वितीय अवस्था में कि द्वितीय अवस्था में योगी जब आसन में दृढ़ होकर
उद्रण होने पर विशुद्धि ग्रंथि का भेदन होता है, सॉरी विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। तो विष्णु ग्रंथि कहाँ पे बताई गई है अपनी, इसका ध्यान रखेंगे कंठ स्थान है विशुद्धि, ठीक है ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बताया कि जो निरुत वायु का सुषुम्ना में संचार होता है, मतलब जो वायु है उसका सुषुम्ना में संचार होता है, और अति शून्य अर्थात कपाल गुहा में, मतलब जो वो सुषुम्ना में उसका संचार होता है बहुत ही सूक्ष्म अति शून्य हो जाती है वो, ठीक। और परमानंद का सूचक, और इसमें आवाज किसकी सुनाई देती है, तो भेरी अत्यंत और आघात जन्य, मतलब जिसमें कोई आघात ना हो, आघात जन्य, ठीक है शब्द सुनाई देता है। और इसमें योगी की स्थिति कैसी हो जाती है, जो लाभ है वो योगी ज्ञान एवं देव तुल्य हो जाता है, ठीक है योगी ज्ञानी हो जाता है और देव तुल्य हो जाता है, ठीक है। मुझे कोई बताएगा अभी मैंने कौन सी अवस्था पढ़ा दी है घट अवस्था के पहले, आरंभ अवस्था, आरंभ अवस्था जी, उसमें कौन सी ग्रंथि का भेदन मैंने आपको बताया है, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि का, उसका स्थान अनाहत चक्र, हृदय प्रदेश, अनाहत चक्र, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग परिचय अवस्था में, ठीक है तीसरी अवस्था है। तृतीय नाम तो विज्ञायो बिहायो मर्दन ल ध्वनि, ठीक है महाशून्य तथायत, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो तृतीय अवस्था है हमारी भ्रू आकाश में, जो अपना भ्रू आकाश मतलब दोनों भ्रुवों के मध्य भी हम उसे भ्रू आकाश ही बोलते हैं, ठीक है। उसमें ढोल की ध्वनि सुनाई, ढोल जैसे एक ध्वनि नाद सुनाई देता है, तब जो हमारी प्राण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला हो जाता है और अंतराकाश में पहुंच जाता है। तो ये है जो हमारी निष्पत्ति अवस्था है, उसका इसमें लक्षण बताते हैं परिचय अवस्था में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, इसमें सिर्फ भ्रू मध्य आकाश में ढोल की ध्वनि बताई गई है, ठीक है। फिर उसके आगे बताया है चित्तानंद तथा जीवत, चित्तानंद तदा जीत्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि शुद्धा निद्रा विवर्जित है, मतलब जो चित्त तब हमारा जो चित्त है वो आनंद अनुभूति करने लगता है और उससे ऊपर उठ जाता है, मतलब जो हमारे दोष दुख है जरा है व्याधि है क्षुधा है निद्रा है ये सब आदि से वह रहित हो जाता है, परमानंद की स्थिति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब कैसे होगी देखना, जो निष्पत्ति अवस्था है हमारी, ठीक है, रुद्र ग्रंथि यदा वित्वा सड़ पीठ गतो, जो भी लिखा है आगे का मुझे नहीं समझ आ रहा पढ़ते में, ठीक है। इसमें क्या बताया निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि यदा वित्वा, मतलब स्टार्टिंग में बोला रुद्र ग्रंथि, ठीक है, तो इसमें क्या होगा रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा, और रुद्र ग्रंथि कहाँ बताइए हमारी आज्ञा चक्र में, ठीक है, जहां पे शिव स्थान है वहां तक रुद्र ग्रंथि पहुंच जाएगी, तब साधक अच्छी तरह से मिले हुए जो स्वर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि और ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी हमारी नाद ध्वनि, तो उसमें क्या सुनाई देगा वीणा की झंकार का शब्द सुनाई देगा, ठीक है। सबसे पहले हमें सुनाई दिया था झरझर की आवाज, मतलब हम पहले बहुत ज्यादा खुश थे नेट के एग्जाम को लेके बहुत ही ज्यादा खुश थे, ठीक है। फिर धीरे 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 हम मतलब जो हमारी आघात ध्वनि आई वहां पे आए, ठीक है विष्णु ग्रंथि में। फिर उसके बाद हमें ढोल नगाड़े की ध्वनि सुनाई देने लगी, फिर जो हमारी सबसे मतलब कम ध्वनि है वीणा की झंकार की ध्वनि है, ठीक है। उसके नीचे चलते हैं हम, एकी भूत तदा चित्तम राजयोगाभि धानकम, ठीक है, मतलब इसमें ये बोला गया है कि जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, ठीक है, और समाधि जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तो समाधि की संज्ञा प्राप्त कर जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि सृष्टि संहार करता व्यो, मतलब जो सृष्टि संहार करता और वह ईश्वर के समान हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना योगीश्वर समो भवेत, मतलब वो सृष्टि का संहार करता और वह ईश्वर के समान हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मतलब जो हमारी अवस्था थी ना राजयोग की प्राप्ति, तो अब हम लोग राजयोग की प्राप्ति कर लिए हैं, ठीक है, जो हमारी निष्पत्ति अवस्था है। अब उसमें और भी चीजें बताई गई है वो हम देखते हैं, ठीक है। अस्तु वा मास्तु व्या मुक्त मुक्तर एव
मुक्तरेव खंडित्वम सुखम। ठीक है, मतलब मोक्ष ना हो ना हो, मोक्ष हो या ना हो, किंतु यहाँ पर लय की उत्पत्ति एक अखंड सुख प्राप्ति कराती है। मतलब जरूरी नहीं हमें मोक्ष हो यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन जो लय की उत्पत्ति है ना वो एक अखंड सुख प्राप्ति कराती है। यही हमारी राजयोग की समाधि के द्वारा, यही हमारी राजयोग की समाधि यहाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, द्वारा में प्राप्त होता है समाधि के द्वारा। फिर इसमें कहा गया है राजयोगा मजानंत केवलम हट कर्माण कर्मिण। ठीक है, मतलब राजयोग को नहीं, जो लोग राजयोग को नहीं जानते, मतलब राजयोग मतलब तत्व ज्ञान ले लेते हैं, जो लोग इसे नहीं जानते वो केवल अगर हट की प्रक्रिया का ही अभ्यास करेंगे तो वह कभी भी मतलब इसमें सफलता नहीं प्राप्त पाएंगे, उनका जो फल है वो फलहीन माने जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहा गया है समस्त लोगों के लिए रूमध, मतलब जो और लोग हैं जो इस चीज की विधि नहीं अपना पाते हैं, उनके लिए क्या है कि जो सामान्य लोग हैं वो भ्रूमध पर अगर ध्यान करेंगे तो उनमें नई अवस्था उन्हें शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तब साधक को सुख पूर्वक राजयोग समाधि प्राप्त कर लेगा। ऐसा विचार किसका है? गोरक्षनाथ जी का। ठीक है, और नाद से उत्पन्न जो लय है उनमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी, मतलब वो आनंद देने लायक, आनंद देने वाले हो जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नादानुसंधान समाधि भाजाम भाजाम योगेश्वराणाम हृदि वर्धमानम। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो नादानुसंधान के द्वारा जो समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगी हैं, उनका जो हृदय में अवर्चनीय एक आनंद सा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा गोरक्षनाथ जी, एक ऐसे गोरखनाथ जी है जो इस चीज को जानते हैं। ठीक है, कि हृदय में एक अवर्चनीय आनंद उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर लेंगे, जिस ध्वनि को साधक सुनता है उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना है जब तक हमें पूर्ण स्थिरता ना प्राप्त हो जाए। इसमें ये कहा गया है कि साधक है उसे तब तक इस ध्वनि का, मतलब कान बंद करके आंख बंद करके तब तक इस ध्वनि का अभ्यास करना है जब तक कि उसका चित्त पूर्ण रूप से स्थिर ना हो जाए। ठीक है, ये सामान्य लोग के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कहा गया है नेक्स्ट में कि इस नाद का अभ्यास बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाए, मतलब इस नाद का अभ्यास हमें तब तक करना है कि जो बाहर की ध्वनि है, जैसे आप कहीं भी बैठे हो कि कोयल बोल रही है, इधर से गाड़ी बाहर निकल रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है, तो वो आपको ध्वनि नहीं सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो लुप्त हो जाए, और 15 दिन के अंदर साधक सभी प्रकार के जो विक्षेप, मतलब बाधाएं, मतलब जो उसकी व्याधियां आती हैं, उन सभी से वो जीत लेता है। जो विक्षेप अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं उन सब जीत जाता है और उसे सुख मिलने लगता है। ठीक है, उसे सुख हो जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये देखना है हमें कि जो अभ्यास हमने किया, ठीक है, उनमें नहीं अवस्था के बाद जो हम अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत ही सूक्ष्म होता जा रहा है। ठीक है, मतलब स्थूल में हमें रहना ही नहीं, यहाँ पे पूरा सूक्ष्म से सूक्ष्म तक हमें जाना है। ठीक है, तो देखना अभ्यास के प्रथम चरण में विभिन्न प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। ठीक है, मतलब गंभीर तरीके से, जिन्हें हम सुन के थोड़ी एकदम गंभीर हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास के बाद वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं कि अब अभी तो हमने जाना कि आरंभ अवस्था, घट अवस्था और निष्पत्ति अवस्था में क्या हुआ। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से सर्वप्रथम कौन सी ध्वनि होती है, फिर मध्य में और फिर अंतिम में। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओगे क्या कि जो मैंने समाधि की चार अवस्थाएं बताई उनके कोई नाम? आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय, निष्पत्ति। अच्छा, तो मुझे को ये भी बताएगा अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा कि परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन होता है या नहीं? नहीं होता, नहीं होता, में नहीं होता है। जी, तो रुद्ध ग्रंथि कहाँ पे, मैंने स्थान बताया था आप लोगों को, आज्ञा चक्र, ये था आज्ञा चक्र। अच्छा, और अनाहत में मैंने किसका स्थान बताया था? अनाहत में बताया था ब्रह्म ग्रंथि, सॉरी।
हाँ इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक विषय नहीं है हमारा, अभी से आप लोग ध्यान रखेंगे तो हमारे ऑप्शनल गलत नहीं होंगे, ठीक है? अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। सर्वप्रथम समुद्र, पहले अवस्था में देखो, सर्वप्रथम समुद्र, भेरी, मेघ, झरझर, नाद के समान ध्वनि आती है, ठीक है? फिर जब उसके आगे हम चलते हैं सेकेंड मतलब मध्यम में, ढोल, ठीक है, शंख, घंटा और घड़ियाल से उत्पन्न होती है ध्वनि, ये मध्य अवस्था में, ठीक है? ध्यान रखना, पहले में समुद्र, मेघ मतलब समुद्र पहले गिरेगा पानी, फिर बादल गर देंगे, फिर भेरी की आवाज सुनाई देगी और झरना की आवाज सुनाई देगी, ठीक है? ध्यान रखना, फिर मध्य में क्या होगा, ढोल, नगाड़े, घंटी, ये सब बजेंगी मतलब तेज तेज वाले, ठीक? फिर अंत में क्या होगा, वो सूक्ष्म हो जाएगी मतलब किंकिड़ी, वेणु, वीणा और भ्रमर गुंजन, जिस प्रकार आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, भ्रमर गुंजन के समान, ठीक है? वो जो ध्वनि है वो सुषुम्बना से उत्पन्न नाना प्रकार के नाद हमें सुनाई देने लगेंगे, सुषुम्बना से। सभी लोग जानते हैं कि जब ब्रह्मा जो भी हम इड़ा और पिंगला का जब वो होता है, इड़ा और पिंगला जब मिलते हैं तो सुषुम्ना में संचार होता है, इसीलिए हर जगह यहाँ पे सुषुम्ना में नाद का उत्पन्न होना बता रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम चलते हैं कि मेघ, भेरी आदि के समान सुनाई देने वाला गंभीर ध्वनि से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ही मन को लगाना है, मतलब जो यहाँ पे हमने आपको पहले वाले में जो बताया था कि मेघ, भेरी, समुद्र, ये लोग, ये जो आवाजें थी थोड़ी तेज थी तो बोल रहे हैं कि ये तो गंभीर थी, अब इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म हमें मन को लगाना है, मतलब एकदम सूक्ष्म, सिर्फ जो सुषुम्ना की जो आवाज है नाना प्रकार की उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हमें अपने ध्यान को लगाना है, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं, अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप लोग बता दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ी पढ़ाने में सही नहीं फील कर पा रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गंभीर ध्वनि को छोड़कर, मतलब जो गंभीर हमने यहाँ पे जो ध्वनि देखी, मेघ और भेरी, ठीक है, समुद्र ध्वनि, इनको छोड़कर हम सूक्ष्म ध्वनि को भी छोड़ देंगे, मतलब पहले इनको छोड़ा, इनको छोड़कर सूक्ष्म में गए, फिर सूक्ष्म को भी छोड़कर गंभीर से गंभीर में भी रमण करने वाला चंचल मन को दूसरी ओर ना जाने देंगे, मतलब जो हमारा ध्यान है उसे सूक्ष्म में भी सूक्ष्म फिर गंभीर में भी रमण करने वाला जो है वो चंचल मन, उसको कहीं नहीं जाने देना, मतलब हमें वहीं के वहीं रहना है, अगर हमारा सूक्ष्म में नहीं भी जा पा रहा है तो हमें गंभीर को ही देखना है और सुनना है, ठीक है? मन में मन। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसमें ही सुस्थित होकर उसमें ही एक हो जाए, मतलब जिसमें भी आपका में भी आपका नाद सुनाई देने लगे और आपका मन उसी में रम जाए, आप उसी में स्थित हो जाइए और एक हो जाइए उसी नाद में, ठीक है? अपने आप को भी उसी में एक समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें कहा गया है, जिस प्रकार मकरंद का फूल का पान करने के लिए भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं करती, उसी प्रकार नाद में लीन हमें विषयों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब जो भ्रमर होता है तो वो फूल में, मकरंद का जो फूल होता है उससे उसकी गंध की वो नहीं करता, ठीक है, वो उसमें बैठता ही बैठता है, उसी प्रकार जो हमारा मन है हमें नाद में इतना ज्यादा चित्त को लीन कर लेना है, ठीक है, कि बाहरी चीजें हमें ना पता चले। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये बताया कि जो उद्यान है, ठीक है, वहां पे जो हाथी एकदम घूमता रहता है अपनी चाल में, ठीक है, तो उसको भी वश में, ठीक है, यहाँ पे ये बताया कि उद्यान में विचरण करने वाला चित्त रूपी मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए वह नाद रूपी अति अंकुश, मतलब यहाँ पे जो हाथी है वो चित्त से इसकी तुलना की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बस इसमें यही शब्द इंपॉर्टेंट है कि जो हाथी है उसको चित्त से तुलना की गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिस प्रकार पक्षीहीन पंखहीन पक्षी अनिवार्य रूप से स्थित हो जाता है, उसी प्रकार नाद रूपी, मतलब जो पक्षी है अगर उसके पंख कट जाएंगे तो अनिवार्य रूप से वो एक जगह स्थिर हो जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा, ठीक, तो उसी प्रकार से अगर हम नाद को अपने आप उसमें हम बंध जाएंगे तो हमारा मन एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? तो हमें कोई ये बात बताएगा कि जो प्रथम और मध्यम और अंतिम बताया, तो प्रथम में हमें किन की ध्वनि सुनाई देती है, झनझन की और समुद्र की,
हैरी की, देन में वीणा। अच्छा और अंत में वीणा, अंत में वीणा वगैरह, वीणा वेणु जी। और कितने दिन के अंदर अभ्यास के लिए बोला था? 10 दिन 20 दिन 15 हाँ, आप सभी को याद है, मतलब मेरी आवाज शायद ठीक लग रही होगी, थोड़ी बहुत इसलिए सुन रहे हो। बहुत अच्छी लग रही है मोना जी, बहुत अच्छी। मैंने रीजॉइन किया इसलिए इतना दिक्कत में सुन रही थी। अरे नहीं दीदी, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, अगर समय हो जाए तो बता दीजिएगा। जब मन रूपी पारद नाद रूपी गंध के प्रभाव से चंचलता को छोड़ देता है, छोड़कर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार, ठीक है, मतलब उसी प्रकार जो निरालंब व्योम में विचरण करता है, जो हमारा मन है। तो यहाँ पे सबसे तुलना की गई, आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे भी सूत्र हैं, श्लोक हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे तुलना की गई है, ठीक है? यहाँ पे पारश और गंध के प्रभाव से स्थित बताया है, ठीक है, और निरालंब व्योम में विचरण करने वाला है। फिर उसके नेक्स्ट चलते हैं, मन रूपी सर्प नाद के श्रवण से शीघ्र, मतलब जब वो सांप में, वो आप लोगों ने सुना होगा, वो बांसुरी बजाते हैं तो सांप उन्हीं के पास आके वो सुनने लगता है, अपने आप को एकाग्र कर लेता है। बीन, बीन। हाँ बीन बजाते हैं ना, तो सांप कहीं भी होता है इधर उधर से भागता हुआ आ जाता है दौड़ते हुए, ठीक है? तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो इधर उधर भागता है, लेकिन फिर भी हमें नाद में ही लगाना है, ठीक है? नाद का ही श्रवण करना है, उसी में एकाग्र होना है और कहीं नहीं जाना, ठीक? तो यहाँ पे भी जो चित्त है वो हिरण, चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जाल के समान बताया गया। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन बना था अभी MDYA के ग्रुप में, किसी ने बनाया था कि चित्त रूपी जो हिरण है उसको पकड़ने के लिए नाद जाल के समान है, लेकिन चित्त रूपी हिरण को मारने के लिए नाद व्याघ्र के समान है, व्याघ्र, ठीक है? यहाँ पे हम बाघ भी ले सकते हैं, व्याघ्र मतलब, जो मुझे समझ आया, ठीक है? ये शब्द ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये बताया कि जो चित्त रूपी घोड़े हैं वो नादोपासना चार दीवारी के समान है, इसलिए योगी को नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। मतलब जो घोड़े हैं अगर उन्हें हम एक जगह बेबंद कर देंगे तो चार दीवारी के अंदर रह जाएंगे, फिर बाहर नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार जब हम प्रतिदिन नाद की अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन एकाग्रचित होके, तो हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, सर्पनाद के श्रवण से शीघ्र शीघ्र भूल कर एकाग्रचित हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता, रिपीट हो गया पेज, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए, लकड़ी से उत्पन्न अग्नि की बात की गई है। देखिए जो लकड़ी है, अगर हमने उसमें आग लगा दी तो जितनी बड़ी लकड़ी है वो तब तक जलता ही रहेगा, मतलब उसकी अग्नि शांत नहीं होगी। वैसे ही नाद में अगर हमने अपने आप को चित्त को लगा दिया ना, तो नाद में ही लीन हो जाएगा, फिर इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे बोला, चित्त रूपी हिरण जब घंटा आदि की ध्वनि द्वारा अकरण क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाता है, तब यदि धनुर्धारी योगी प्रवीण हो जाए तो हिरण चित्त में प्रवाह करना सरल हो जाए। मतलब जो हिरण है, यहाँ पे हिरण को बताया कि जब घंटी और ध्वनि सुनाई देती है, अकरण मतलब, कोई मुझे यहाँ बताएगा? निश्चल हिरण को निश्चल, ध्वनि के द्वारा आकृष्ट मतलब आकर्षित होना जी, ठीक है, आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा चित्त है उसे भी अगर हम नाद ध्वनि में, ध्वनि अगर बजेगी तो हमारा चित्त भी वहां आकर्षित हो जाएगा, और उसे उसमें ही हम अपने मन को और चित्त को बांध लेंगे, ठीक है? वही नादानुसंधान का वर्णन कर रहे हैं आगे हजरत। फिर देखिए यहाँ पे भी बताया है कि अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहता है, उस ध्वनि के अंदर गे वस्तु, ठीक है, और उस गे वस्तु के अंदर मन के जाने पर वही मन गे वस्तु में विलीन हो जाता है, ठीक है? वही विष्णु का परम पद है। मतलब जो अनाहत ध्वनि है, मतलब जो एकदम सूक्ष्म ध्वनि है, उसमें अपने आप में एक हो जाता है, मतलब गे मतलब वो एक ही हो जाता है मन पर वस्तु, ठीक है? जो ध्वनि है वो गे वस्तु है और उसी में मन भी एक हो जाता है, तो वह परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अब यह हमारा समाप्त हो गया है। जहां तक शब्द में मर्यादा है वहां तक आकाश में परिकल्पना है, उससे
परे शब्द रहित ब्रह्म है जहाँ परमात्मा के परमात्मा नाम से प्रासंगिक है। मतलब जो आकाश में जो परिकल्पना है, आप लोगों ने सुना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे अनाहत ध्वनि मतलब ओमकार की जो ध्वनि है वो पूरे हार हमारे गूंजती है, ऐसा नासा ने भी सिद्ध किया है। ठीक है, वही यहाँ पे वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सर्व हट लयो पाय राजयोगश्च सिद्धये राजयोगा समारूढ पुरुषः कल वचकः। ठीक है, मतलब हट और लय की सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती हैं। राजयोग प्राप्त करने वाले साधक को, जो साधक होता है, मृत्यु को भी जीत लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हट योग चतुर्थ उपदेश खत्म होता है। तो अब हम आपसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब तक हमारा समय भी हो जाएगा। तो मुझे कोई बताएगा कि जो चित्त है उसको यहाँ पे क्या संज्ञा दी गई है? मैंने एक शब्द बताया था आप लोग को, चित्त को हिरण बोला है। और भी शब्द बोले हैं, बाग में बगीचे में घूमने वाला हाथी भी, घोड़े बोला है, घोड़ा भी बोला है, घोड़ा भी हिरण भी बोला है, बोला है पारद और सर्व, हाथी भी बोला है, जी, और राजयोग काष्ठ भी बोला है, पक्षी भी बोला है। जी हाँ बिल्कुल। अब मुझे ये बताइएगा कि हट प्लस राज बराबर क्या होगा? हट प्लस लय बराबर क्या होगा? सॉरी, मैंने आंसर राजयोग राजयोग। और जो हमारा है वो किसकी प्राप्ति के लिए बताया गया है? राजयोग की प्राप्ति, राजयोग की प्राप्ति। जी बिल्कुल। अब मुझे को ये बताया कि केकड़ी वेणु वीणा की ध्वनि प्रथम मध्यम और अंतिम किस में बताई गई है? निष्पत्ति में। मैंने स्थिति में पूछा है, प्रथम मध्यम लास्ट में, अंतिम अंतिम। जी बिल्कुल, अंतिम लास्ट। जी ठीक है, तो मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। मोना एक डाउट था मेरा, प्लीज क्लियर कर देंगे मुझे। जी, वो जी। जो गेया बोल रहे थे ना, गेय गेय में